तो गाइस हम लोग अभी घर जा रहे हैं और मेरे मुंह पे ऊपर फ्लैश है, तो अभी मुझे रास्ता भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो देखते हैं रास्ता कैसा है, मतलब पूरा देखो इधर भी पूरा ब्लैक आउट और मेरे पीछे भी ब्लैक आउट और चारों तरफ मेरा तरफ फ्लैश। ए भाई अभी रास्ता नहीं देख पा रहा हूँ यार, चारों तरफ बैम्बू ट्री है, कुछ नहीं। तो हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा हमारे इंटीरियर साइड से, क्योंकि देख रहे हो इधर देख रहे हो हमारा जो मॉड्यूलर बेसिन था वो वाला आज फिटिंग होने वाला है, तो वुडन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। तो चलो एक सिनेमैटिक शॉट के साथ देख लेते हैं। तो गाइस ये है हैंडललेस मॉड्यूलर किचन, इधर है एक रैक और जो फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको आप अलग भी कर सकते हो। और इसके साथ देखो ये वाला हैंडललेस डिज़ाइन, प्रोफाइल हैंडल इधर लगा है और ये है पूरा जो कार्टिलरी आइटम का जाली। और इसके साथ है छोटे बर्तन के लिए और ये है बड़े वाला प्लेट के लिए। तो ये है प्रोफाइल हैंडल पूरा कॉम्बिनेशन है और इधर है गैस सिलेंडर के लिए, मेरा पूरा फोल्ड हो जाता है और इसको ऐसे करके पूरा ओपन कर सकते हैं। और देखो इधर भी एक रैक है, ये भी फ्लेक्सिबल है, ये भी उठा सकते हैं हम। और ये वाला इधर से बेसिन के नीचे बहुत सारे स्पेस, ये भी हम यूज कर सकते हैं। और ये देखो गाइज ये है शू यूनिट और शू यूनिट के साथ एक बैठने की स्पेस। और इधर लॉक ओपन करता हूँ और देखो शू यूनिट। तो ये गाइज ये है मॉड्यूलर बेसिन, अभी फिटिंग हो रहा है। और ये है हमारा जो पैनलिंग का डिज़ाइन, आप देख चुके हो पिछले वाले वीडियो में। और ये है मॉड्यूलर बेसिन का कैबिनेट जिसमें हम लोग प्रोफाइल हैंडल यूज़ किए हैं। तो गाइस अभी मॉड्यूलर बेसिन का पूरा इंस्टॉलेशन हो रहा है क्योंकि इधर मॉड्यूलर बेसिन बैठेगा। फाइनली गाइस हमारा मॉड्यूलर बेसिन बैठ गया है स्टोन का ऊपर, तो चलो देखते हैं कैसा काम करता है। तो ये है मॉड्यूलर बेसिन और ये हिंदू वर्ग का कॉल, तो इसको बंद करने के बाद पूरा पानी भर जाएगा और इसको ओपन करने के बाद पूरा पानी क्लियर हो जाएगा। क्या खबर? We talk English, only English. You understand? No. Let's go talk to the. No. 5 liter and then 1 cup Rica tea. Dodo. शांति आ गया, आ गया शांति, तू हो मोंटी। गाइस फाइनली घर चले आए और लंच का टाइम हो गया है, तो लंच करते हैं क्योंकि बहुत जोर से भूख लगा है। और इधर देखो डोडो को क्या कर रहा है। हाँ हैंडशेक, कैसा है तू? अच्छा बढ़िया, खाना खाया? अब सो जाओ। तो गाइस आज का दोपहर का लंच में है अंडे और उसके साथ है आलू का सब्जी और इस बर्तन में है ओट्स। तो चलो आज का लंच खत्म करते हैं। फाइनली गाइस शाम हो चुका है क्योंकि लंच के बाद थोड़ा सा काम वगैरह कर रहा था, तो शाम हो गया है। तो अभी शादी का टाइम है, मतलब हमारे सोसाइटी में एक भैया है उसका आज शादी है और आज जाएंगे मसलंदपुर बास पकड़ कर, क्योंकि हमारे एरिया में मतलब हमारे सोसाइटी में जितने सारे हैं सब लोग एक बास में जाएंगे, बहुत ही मस्ती होगा। तो चलो रेडी हो लेते हैं। ये वाला है मेरा शर्ट और मेरा ब्लेज़र भी, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था ना मेरा ब्लेज़र तैयार होकर आ चुका है, तो वो वाला ब्लेज़र पहनूंगा। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुका हूँ ब्लेज़र पहनकर और अभी जाएंगे शादी में, बहुत मस्ती करेंगे। तो देखो कैसा लग रहा है, पूरा ब्लेजर टाई वगैरह सब कुछ पहन लिया और वेस्ट कोट भी पहन लिया। तो अभी जाऊंगा, सब रेडी हो चुका है, मैं बहुत देर कर दिया, तो चलो जल्द से जल्द जाते हैं, मतलब शू वगैरह पहनकर रेडी हो लेते हैं। आप बाहर का साउंड सुन पा रहे हो ना, सब कुछ बज रहा है। चलो गाइस
गाइस बास पकड़ने के लिए चल पड़े, तो सब लोग निकल गए, थोड़े बस मैं और बगल वाले जो अंकल है वे हम दोनों ही रह गए थे। तो अभी बास पकड़ने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में लाइट बहुत ही कम है, बट मेरा आईफोन से शूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट आ रहा है। कैसे फुटेज आ रहा है आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस आज रात को घर आने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब आप हम लोग निकल रहे हैं 7:10 बज गए, बट घर आने में करीब करीब 2:00 बज जाएगा। तो क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि घर में मम्मी और डोडो अकेली है। तो चलो देखते हैं कितना मज़ा आता है और कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके नीचे बताना, ठीक है। देखो गाइज सब लोग जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए, क्योंकि हमारे लिए बस रुका हुआ है कुछ। वो है हमारा बास, तो चलो बास को पकड़ते हैं। तो दोनों बास ही हमारा ही है। हाय गाइस देखिए हम लोगों को अभी लग रहा है भूत और भूतनी। तो हम लोग अभी बास में बैठ गए हैं और मेरे पास है पाखी जो उड़ जाए, वो उड़ेगा नहीं, सीट में बैठा रहेगा। और पीछे वाले जो फ्लैश पकड़ के बैठा है वो है टिया और उसके बगल में है मुनिया। तो गाइस हमारे गाड़ी चल पड़े और ये देखो फ्लैश से इधर फ्लैश चल रहा है और मैं फ्लैश में ब्लॉक कर रहा हूँ। तो चलो और लाइट बस का लाइट भी चालू हो गया, हमारा बाज भी चालू हो गया। तो चलो सीधा चलते हैं शादी में, बहुत मस्ती करते हैं। तो फाइनली गाइस आ चुके हैं मसलनपुर, तो आज शादी में बहुत मस्ती करेंगे। तो चलो चलते हैं, ये हमारा बास है। तो अब हम लोग थोड़ा सा इधर से उतर गए, तो थोड़ा सा पैदल चल कर जाएंगे और लाइट कम है तो वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा है। तो चलो ये देखो हमारे जितने सारे एरिया से आए हैं, तो सोसाइटी से आए हैं, सब लोग आ गए। तो बात चलो 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 चल 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 सब लोग उतर गए। हाँ सब आ गए, चल तो गाइस आ चुका हूँ हमारे फाइनल डेस्टिनेशन और बहुत सारे साउंड हो रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और हमारे साथ है मतलब मेरे साथ है पाखी। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अभी हमारे जो भाभी जी हैं उनको देखने के लिए। तो गाइस अभी खाने का टाइम हो गया है और इधर खाने के इंतजाम है, तो चलो खाते हैं, देखते हैं क्या क्या खाना है हमें। तो गाइस फाइनली हम लोग खाने के लिए बैठ गए और हमारे पास है टिंगलू पिंगलू और उधर देखो ये दोनों। तो चलो खाते हैं, कौन सा मेनू हुआ है आज देखेंगे। टिंगलू तो नाम की दिलम टिंगलू पिंगलू मिंगलू, इधर बैठ जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं, बैठ जाओ। खाना वगैरह सब कुछ हो गया, तो अभी शादी का टाइम है, तो चलो शादी देखते हैं कैसे होता है बंगाली शादी। तो आप लोग देख पाओगे हमारे वीडियो में, तो थोड़ा ही देखूंगा क्योंकि बहुत रात हो चुका है और हम लोग बहुत दूर आए हैं बारासात से। तो अभी बज चुका है 12:45, तो ये घर जाने में 1-2 बजे लग जाएगा। तो देखते हैं कितना दूर होता है। की देख चीज़ कि बोलो नथिंग, तेरा क्या खबर? अभी सिंदूर दान हो अरे चिट्ठी पर दे आगे देखे नहीं बिन्ने यार तार पर और तो लग दवाई सिंदूर हल कर पड़ा। तो गाइस हम लोग अभी घर जा रहे हैं और मेरे मुंह पे ऊपर फ्लैश है, तो अभी मुझे रास्ता भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो देखते हैं रास्ता कैसा है, मतलब
पूरा देखो इधर भी पूरा ब्लैक आउट और मेरे पीछे भी ब्लैक आउट और चारों तरफ मेरा फ्लैश। ए भाई अभी रास्ता नहीं देख पा रहा हूँ यार, चारों तरफ बैम्बू ट्री है, कुछ नहीं दिख रहा। देखो गाइस कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। नहीं अब हम लोग जा रहे हैं बास पकड़ने के लिए और इधर इतनी सी भी मतलब रोशनी नहीं है। हाँ सच बताए मैं तो पूरा भूल ही गया था। तो देख हम लोगों का कौन सा ए बाबू पहचानता है बाबू। हाँ हाँ ये वाला गड्डी में हमारा है। चलो 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 मिधुबा उठ जाओ। तो फाइनली गाइस घर चले आए और अभी रात को बज चुका है 2:15। तो आज का ब्लॉग इधर खत्म करता हूँ क्योंकि बहुत टायर्ड हो चुका हूँ। आज पूरा दिन बहुत सारे काम था, शादी में गए, बहुत सारे मस्ती किए और अभी घर भी चले आए तो अभी सोने का टाइम है। तो चलो वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप गाइस आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए, टाटाज़।